rahat düştüm. Oturanla gitti. Orada söylüyor. नमस्कार NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। इस समय की सबसे बड़ी खबर जो है वो कश्मीर के कुलगाम से आ रही है। आतंकवादी जो हैं अपने मंसूबों में लगातार इस समय कामयाब हो रहे हैं और आम लोगों को जो है वो निशाना बना रहे हैं। आज एक और हत्याकांड वहाँ पर उन्होंने किया और एक बैंक मैनेजर, जो हिंदू बैंक मैनेजर वहाँ पर कुलगाम में काम कर रहा था, उसे वहाँ पर जो है निशाना बनाया है। और हम आपको बता दें कि इस बैंक मैनेजर का जो नाम है ये विजय कुमार है और ये राजस्थान से बिलोंग करते थे और वहाँ पर देहाती बैंक के मैनेजर थे। और उन्हें आज आतंकवादियों ने दोबारा से, जिस तरीके से कल भी जो है, कल भी आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे थे जम्मू में, कश्मीर में, अलग अलग एरियाज़ में, जब रजनी बाला जो सांबा से बिलोंग करती हैं, वो भी हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, उन्हें टारगेट किया गया, उनकी हत्या की गई। उससे पहले राहुल भट्ट की हत्या की गई और ये लंबी लिस्ट जो है, हम आपको कितने लोगों के नाम गिनाएँ। और आज उन्हीं लोगों में एक और नाम जो है वो जुड़ गया है, बैंक मैनेजर विजय कुमार का। ये राजस्थान से बिलोंग करते थे और आज कुलगाम में देहाती बैंक में ये काम करते थे। आज वहाँ पर आतंकवादियों ने इनको घात लगाकर हमला किया और ताबड़तोड़ इन पर जो है गोलियां बरसाई गई। उसके बाद गंभीर रूप में इन्हें जो था नज़दीकी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, मगर वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हम तक इस समय आ रही है, इन्होंने वहाँ पर अपना दम तोड़ दिया है। और एक और आम शहरी जो है, एक और आम हिंदू जो है, वहाँ पर आतंकवादियों का शिकार हुआ है। लगातार वहाँ पर जो है हिंदूज़ के खिलाफ जो है वो एक जो माइनॉरिटी जो कश्मीर में रह रही है उनके खिलाफ जो है एक तरफ जो है युद्ध उन्होंने छेड़ा हुआ है। और जो भी आतंकवाद के खिलाफ वहाँ पर बोलता है उसको जो है टारगेट किया जाता है। इसमें इवन बहुत सारे जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको भी वहाँ पर टारगेट किया गया। लगातार वहाँ पर पुलिस के जवानों को टारगेट किया जा रहा है, जो SPOs काम करते थे उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इस समय कश्मीर की सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हम बता सकते हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वहाँ पर अभी जो है कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवाद को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, मगर जिस तरीके के इस समय घटनाएं सामने आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा चिंता का बायस बने हुए हैं। आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा भी जो है यहाँ पर शुरू होने वाली है और उससे पहले इस तरीके के हत्याकांड लगातार, जिस तरीके से लोग जो आम लोग जो वहाँ पर काम कर रहे हैं वो मारे जा रहे हैं। आज भी जम्मू में जो है अलग अलग एरियाज़ में प्रोटेस्ट हो रहा है और जो लोग वहाँ पर कश्मीर में काम करते हैं, जो माइनॉरिटीज़ के लोग काम करते हैं, उनकी डिमांड है कि उन लोगों को जो है अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में सेफर एरियाज़ में जो है उनको भेजा जाए ताकि वो अपनी जान बचा सके। और आपने देखा होगा किस तरीके से निर्मम तरीके से जो है हत्याकांड जो उन्होंने किया आतंकवादियों ने, रजनी बाला जो सांबा से बिलोंग करती थी उनको मारा, और किस तरीके से उनकी जो छोटी बच्ची थी, उनका जो पति है वो भी वहाँ पर काम करते थे और रहते थे। और उन लोगों में इस समय दहशत का माहौल है और जम्मू में इस समय प्रदर्शन हो रहा है। कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉयज़ हैं जो PM पैकेज में गए थे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस समय गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का बायस बना है कि किस तरीके से इस सिचुएशन को डील करना है। और लगातार वहाँ पर जो है हिंदूज़ को टारगेट किया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ को जो है टारगेट किया जा रहा है। और उसी को देखते हुए आज एक और आदमी जो है जिसकी जान गई है वो है बैंक मैनेजर विजय कुमार। आप जुड़ रहे हैं NH1 न्यूज़ के साथ। विजय कुमार।